शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन इस बात को करता कौन स्वीकार है? यहाँ पर तो केवल धन धन और धन पर ही आता सारा विचार है। अधिकारी आबाद हो रहे हैं, स्कूल संचालक आबाद हो रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। चाहे दो बच्चों का बाप हो, चाहे हो स्कूल का अध्यापक या हो स्कूल का संचालक, किसी से कुछ नहीं पता और ना ही कोई है किसी से कम। यहाँ तो शिक्षा माफिया पैदा कर रहे हैं सुसाइड बम। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, काल्पनिक है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल है। अगर कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो सारी बात आपके दिमाग के रग रग में घुस जाएगी। एक रमेश है, एक सुरेश और एक महेश। रमेश एक निजी स्कूल चलाता है, सुरेश सरकारी अध्यापक है और महेश अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाता है। रमेश परेशान था क्योंकि वो स्कूल चलाता है और लॉकडाउन में सारे स्कूल को बंद कर दिया गया। रमेश ने सोचा चलो कुछ दिन की बात है, ये दिन कट जाएंगे। लेकिन दिन तो बढ़ते गए और लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ती गई। रमेश परेशान हो गया, करे तो क्या करे। तो रमेश ने कहा क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और ऑनलाइन क्लासेस चलाएं जाए। अब ये सारी चीज़ें रमेश के दिमाग में इसलिए आ रही थी क्योंकि रमेश चाहता था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट ना आए। लेकिन एक बात और थी जो रमेश के मन में बैठी हुई थी, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था। वो बात थी कि यदि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो स्कूल में फीस नहीं आएगा और जब मोटी फीस नहीं आएगी तो हमारी कमाई बंद हो जाएगी। लॉकडाउन की अवधि धीरे धीरे बढ़ती गई और सरकार ने अंततः स्कूल खोलने का आदेश नहीं दिया तो रमेश ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए। अब रमेश ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू करवा दिया लेकिन उसको फीस नहीं आ रही थी। तो फिर रमेश ने अभिभावकों पर दबाव डालना शुरू किया कि वो फीस जमा करें क्योंकि क्लासेस तो चल रही हैं। लेकिन इधर अभिभावक परेशान थे कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कैसे कराएं, उनके पास तो केवल एक स्मार्टफोन है और बच्चे तीन हैं, अब क्लासेस कैसे चलेंगी। लेकिन रमेश का कहना था भाई आप जाइए और स्मार्टफोन खरीदिए। अब रमेश की इस क्रियाकलाप का असर सुरेश और महेश पर सीधा पड़ रहा था। सुरेश चूंकि सरकारी टीचर थे लेकिन उनके बच्चे रमेश के स्कूल में यानी निजी स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि उन्हें भी लगता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है, पढ़ाई तो निजी स्कूलों में होती है। वहीं जो महेश था वो अभिभावक था, एक व्यापारी था, वो भी परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करे। सुरेश ना चाहते हुए भी मोबाइल खरीदने बाजार में गया और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मोबाइल की सारी दुकानें बंद थी। सुरेश ने मोबाइल की दुकान वाले को लालच दिया, मोबाइल खरीदा और लॉकडाउन की जो नियम कानून थे उसको तोड़ा। कहीं कहीं उसे दो चार लाठियां भी खानी पड़ी। अब यही काम महेश ने भी किया, वो भी मजबूर हुआ। उसने भी इंतजाम किया और मोबाइल फ़ोन खरीदा और कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया। लेकिन इन सब के पीछे था कौन और दबाव किसका था? दबाव था रमेश का, क्योंकि रमेश के स्कूल में सुरेश और महेश के बच्चे पढ़ते थे और रमेश का दबाव था कि फीस भरो और मोबाइल फ़ोन खरीदो क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं और फीस तो आपको भरनी ही होगी। लोग अपनी जान पर खेल के बाजारों में जा रहे थे, कोरोना संक्रमण फैला हुआ था, सब भी बाजार में जाके मोबाइल फ़ोन खरीद रहे थे, कॉपी खरीद रहे थे, किताब खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें रमेश की बातों को मानना था। यदि वो रमेश की बात नहीं मानते तो उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती या उनके बच्चे अगली क्लास में नहीं जा पाते। समय बीतता गया और रमेश अपने क्रियाकलाप में सफल होता गया। रमेश ने देखा कि यार पत्रकारों का ध्यान तो हमारे तरफ जा ही नहीं रहा है, तो क्यों ना अपने काम को और आगे बढ़ाएं। लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन स्कूल खुलने की अनुमति नहीं मिली। रमेश ने कहा अनुमति मिले या ना मिले, हम तो अपना काम करेंगे और जितना भोकाल बनाएंगे उतना अभिभावक सोचेगा कि उसके बच्चे की पढ़ाई हो रही है और वो फीस देगा। रमेश ने अभिभावकों को स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया, अध्यापकों को स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया और कोरोना के गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन करता चला। अब रमेश की इस क्रियाकलाप से ना जाने कितने कोरोना संक्रमित हुए, ना जाने कितनों की मौत हुई, ये किसी को पता ना चला, ना इसकी कभी जांच हुई।
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, रमेश ने कितने क्राइम किए? रमेश ने अनचाहा मर्डर किया, क्योंकि रमेश की इस क्रियाकलाप की वजह से जो लोग बाजारों में गए होंगे वो कोरोना संक्रमित हुए होंगे। भले 100 में से 4 हुए होंगे, लेकिन हुए होंगे। हो सकता है उन 4 में से 1 की मृत्यु भी हुई हो। रमेश ने अनचाहा मर्डर तो किया ही किया, और सरकार की बनाए हुए कानून को तोड़ा, और साथ ही साथ अपने लालच में उन बच्चों की जिंदगी भी अंधेरे में डाल दी जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे कि वो स्मार्टफोन खरीद सकें और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल चलाने वाले रमेश की बात तो हो गई, लेकिन सुरेश और महेश का क्या हुआ? तो सुनिए, सुरेश एक सरकारी टीचर था। वो चाह कर भी आगे कंप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने ट्रांसफर में खुद BSA को पैसा खिला चुका था। BSA का मतलब समझते हैं ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये शिक्षा क्षेत्र का एक बड़ा अधिकारी होता है जो स्कूलों को मैनेज करता है, उस पर ध्यान रखता है, जो उनके नियम कानून होते हैं उसको देखता है। सुरेश सरकारी टीचर था, वो जानता था कौन कितना पानी में है और कौन कितना बाहर है, इसलिए वो कंप्लेन करने तो नहीं गया। वहीं बात करें महेश की, तो महेश बेचारा असली पीड़ित था, परेशान था। वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो घर से बाहर निकल कर अगर थाना कोतवाली भी जाए तो उसकी सुनेगा कौन? ये तो आप सब जानते हैं किसकी कौन कितनी सुनता है। तो महेश पीड़ित बनकर रह गया, और सुरेश चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, और दोनों हाथों में लड्डू आए रमेश के। फिलहाल स्कूल खुलने की कोई अनुमति नहीं है, तो जरा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं, और यदि पढ़ते हैं तो क्या आपको भी स्कूल में बुलाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर, ये काल्पनिक कहानियाँ थीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से मिलती जुलती थी। यदि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या शिक्षा माफिया अभिभावकों को इस कोरोना संक्रमण काल में सुसाइड बम बना रहे हैं? सरकार के आदेश न आने के बाद भी यदि प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को स्कूल बुलाते हैं, और अभिभावक यदि कोरोना संक्रमित हो जाता है, तो वो दूसरे को संक्रमण फैलाएगा या नहीं फैलाएगा, ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो अपनी जान तो जरूर ले लेगा। खैर, शिक्षा माफियाओं की बात करते रहेंगे, लेकिन आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि पिछले सोमवार को गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता को सरकार ने निलंबित कर दिया। श्रवण कुमार गुप्ता से पूछना चाहिए कि जो मैंने कहानी सुनाई है, ऐसी स्थिति वर्तमान परिस्थितियों में है तो क्या वो सो रहे थे? खैर, श्रवण कुमार गुप्ता के ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, छात्रवृत्ति के पैसों के गबन का आरोप लगा है, स्थानांतरण और समायोजन में गबन का आरोप लगा है। बाप रे बाप, इतने सारे आरोप, और सरकार ने उन्हें अंततः निलंबित कर दिया। खैर, शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को व्यापार तो बना ही दिया है, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, बात शिक्षा की हो रही है, बात स्कूल की हो रही है, तो स्कूल कब खुलेंगे? चलिए आपको बताते हैं कि स्कूल वाकई में खुलेंगे कब। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, जनपद गाजीपुर में VRT क्रिकेट के नाम से एक क्लब ओपन हो रहा है, जहां क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब गाजीपुर के बच्चे भी क्रिकेट की ट्रेनिंग लेकर अपना करियर बनाएंगे और गाजीपुर का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। अब ये क्रिकेट क्लब कहाँ खुलेगा, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगी। आप देखते रहिए ABT न्यूज, यहीं पर मिलेगी पूरी जानकारी। आइए बताते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने आतंक मचा दिया, ना जाने कितनी मौतें हुई, ये भी एक जांच का विषय बनकर रह गया। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर घातक होगी। अखबारों में भी ये खबरें प्रकाशित हुई, और जगह जगह पर सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के माध्यम से जितने भी न्यूज चैनल चलते हैं उन पर भी खबरें प्रकाशित हुई हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। लेकिन एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। रणदीप गुलेरिया का कहना है कि यदि बच्चों का टीकाकरण हो जाता है तो स्कूल खोलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये भी कहना है कि 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के प्रशिक्षण का आंकड़ा सितंबर तक आने की उम्मीद है। डॉक्टर गुलेरिया ये भी कहते हैं कि यदि उससे पहले
फाइजर को मंजूरी मिल गई तो ये बच्चों के लिए बहुत सहायक होगी। सब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि स्कूल खुलने का रास्ता तभी साफ हो सकता है जब बच्चों का प्रॉपर टीकाकरण हो जाए। प्राइवेट स्कूलों से मेरा अनुरोध है कि इस कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक संकट केवल आपके ऊपर नहीं आया है, पूरे देश के ऊपर आया है, तो अपने इस बेतुके नियम कानूनों को अभिभावकों के ऊपर ना थोपें और उनके ऊपर थोप कर उनसे जबरदस्ती कर उनके जीवन को संकट में ना डालें। कुछ बेहतर विकल्प को तलाशें और बेहतर रास्ते को तलाश कर निस्वार्थ भावना से बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तय है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद। देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनय। यदि एबीटी न्यूज़ की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।